हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की कैसी कोल्ड क्रीम के बारे में, जो कि लड़के हो, लड़कियां हो या बच्चे हो, कोई भी इसे लगा सकता है, जो कि सबसे बेस्ट है। तो उस कोल्ड क्रीम का नाम क्या है, आपको कहाँ मिलेगा, कितने प्राइस का आता है, आपको यूज़ कैसे करना है, तो पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो मैं मोहम्मद समीम सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होम्यो फार्मेसी में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आइए बात करते हैं, बढ़ते हैं, जानते हैं उस कोल्ड क्रीम का नाम क्या है। तो ये बैक्सन सनी का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जिसका नाम है सनी हर्बल्स एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि विंटर का सीज़न में होता है क्या कि आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ रहता है, ड्राई रहता है, सूखने लगता है, फटने लगता है। तो ये जो कोल्ड क्रीम है ये आपको चेहरे पे नमी बना के रखता है और चेहरा पे तरह का निखार लगता है। पिगमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको चेहरे पर कोई डलनेस वगैरह हो जाता है, जैसे कि कोई भी कोल्ड क्रीम आप लगाते हैं तो होता है क्या, कोल्ड क्रीम लगाने के बाद मार्केट का कोई भी, तो चेहरे पे आपको नमी तो लाता है मगर काफ़ी ज़्यादा चेहरे को डल कर देता है, काला कर देता है चेहरे को। जबकि ये कोल्ड क्रीम जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, चेहरे पर नमी बनाए रखेगा जितना आपको नमी चेहरे को चाहिए, और चेहरे पर आपको जो डलनेस हो वो ये सही करता है, चेहरे पर निखार लाता है। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आपको हो रहा तो उसको ये सही करता है। उसके अलावा अगर आप पे कोई रिंकल का प्रॉब्लम है तो रिंकल फ्री स्किन करता है, एंटी एजिंग क्रीम है। उसके अलावा दोस्तों कि ये चेहरे पे कोई भी तरह का पिंपल्स वगैरह हो, आपको दाना फोड़ा फुंसी हो, ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रीम जो है आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। और होता है क्या कि बहुत सारे लड़के लड़की की स्किन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो कोई भी लड़के लड़की की स्किन अगर सेंसिटिव भी है तो लगा सकते हैं। कोई भी चेहरे पर लगाने पर जलन नहीं होगा, चेहरा पर जलेगा नहीं और चेहरे को निखार लाएगा, चेहरे पर स्किन पर निखार लाएगा ये। और सबसे खास बात, बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी एज के लड़के लड़कियां कोई भी हैं, बच्चे भी हैं तो भी इसको लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है। तो एक तरह का ये कोल्ड क्रीम नहीं समझिए, एक तरह का ये इसमें मेडिसिन है जो कि आपका ये ट्रीटमेंट करता है आपके स्किन का। तो इसमें सबसे पहले डला हुआ है एलोवेरा। तो एलोवेरा का काम जानते हैं दोस्तों कि एलोवेरा जो होता है स्किन के लिए आपके बेस्ट है, एक तरह का टॉनिक है ये। दूसरा इसमें डला हुआ है आपको कैलेंडुला। तो कैलेंडुला जो इसमें है डला हुआ है ये एक तरह का होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको एक एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करता है। तो जिसमें कि आपको कोई भी चेहरे पर आपको दाना हो, फोड़ा फुंसी हो, तो पिंपल्स वगैरह हो, उसको ये सही करता है, होने से बचाता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल देखा जाए क्रीम के अंदर वो सारी बात है जो कि एक ये हमारे स्किन को चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव काम करता है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सब तरह के जो चेहरा के स्किन में जो आपको प्रॉब्लम होता है, पिगमेंटेशन हो गया, डलनेस हो गया, आपके चेहरे पर रिंकल हो गया, एंटी एजिंग क्रीम है और चेहरे को निखार लाता है, चेहरे पर नमी बनाए रखता है, तो ये हो गया। थर्ड में इसमें डला हुआ है, पहले इसमें डला हुआ एलोवेरा कैलेंडुला। थर्ड बात करें अगर तो इसमें डला हुआ है बी वैक्स। बी वैक्स का काम क्या होता है, ये मधुमक्खी की छत्ते का एक तरह का वैक्स होता है जो कि इसमें डला हुआ है। तो ये बी वैक्स का काम ये होता है कि आपके चेहरे पर ये नमी बना के रखता है। जैसे कि आप मार्केट में कोई भी क्रीम लाते होंगे, कोल्ड क्रीम को देखते होंगे कि लगाने के बाद चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा कर देता है, नमी बना देता है, आपको चेहरे को एकदम भद्दा कर देगा, वो डलनेस कर देगा, जबकि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। चेहरे पर अगर आपको कोई तरह का स्केयर्स भी है, दाग धब्बा है, तो ये क्रीम कोल्ड क्रीम लगाने से उसको ये सही करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवरऑल ये क्रीम आपके लिए बेस्ट है, जैसा कि हमारे स्किन को कोल्ड क्रीम की आपको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो मार्केट का कोई भी कोल्ड क्रीम लगाने से अच्छा है आप इसे लगाइए, जो कि काफ़ी सस्ता भी है, और एक तरह का बॉडी लोशन की तरह भी आप लगा सकते हैं। कहीं भी आपको बॉडी में लगाना हुआ तो बॉडी के कोई भी स्किन पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में, विंटर के सीजन में, चेहरा आपका जो कि खुला पार्ट होता है, हाथ और ये पैर ज़्यादा आपका ड्राई होता है, फटता है, सूखता है, तो देखा जाए तो ये कोल्ड क्रीम आपके लिए बेस्ट है। कोई होम्योपैथिक फार्मेसी में जाएंगे तो मिल जाएगा। आप बात करते हैं लगाने की, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करना है आपको सुबह लगा लें, फेस को अच्छे तरह से वॉश कर लें, वॉश करने से टॉवल से पोंछ लें। आप पोंछने के बाद ये क्रीम को आप लगाएं, एक से दो मिनट तक आप मसाज करें, लगा के छोड़ दें। उसके अलावा आपको फिर लगाना है रात में, सोने से पहले इसको आप लगा लें। तो उसी तरह आपको करना है, फेस को पहले आपको वॉश कर लेना है, टॉवल से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको चेहरे पे ये अप्लाई करना है, एक मिनट कम से कम आपको चेहरे पे मसाज करना है क्रीम से, और फिर आपको सो जाना है और सुबह उठ के आपको फेस को वॉश कर लेना है।
तो ये हो गया लगाने का तरीका। तो ये था आज का वीडियो जो कि मैं आपको बताना चाहा कि ये कोल्ड क्रीम में सर्दियों का मौसम आ गया, तो सब चाहते हैं कि वैसा कोल्ड क्रीम हो जो कि आपके चेहरे पे हर तरह का जो प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ये निकाले। तो ये जो कि मैंने आपको ये वीडियो के जरिए आपको बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।